Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In today's video, we're going to finally discuss about something very, very important for every international student who is coming in the September intake or let's say May intake. में जो आ चुके हैं उनके लिए भी बहुत important ये जानना. This is actually related to part-time job, but आपका जो wage होगा, आपका जो salary rate होगा per hour, वो बहुत ज़्यादा होगा if you actually take this license. And that is how to exactly take a forklift license for yourself. क्या procedure होता है, क्या pay rate होता है, how to find forklift operator job, क्या-क्या benefits है, why shall you actually opt for this license? Because Canada में guys बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं, सिक्योरिटी लाइसेंस होता है, फोकलिफ्ट लाइसेंस होता है, स्मार्ट सब लाइसेंस होता है, G1, G2, कार का भी आप यूज कर सकते हो लाइसेंस लेके. सो व्हाई एग्जैक्टली फोकलिफ्ट लाइसेंस, क्या बेनिफिट्स है, सारा कुछ प्रोसीजर मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा. बिकॉज मेरा खुद का फोकलिफ्ट लाइसेंस हो चुका है गाइज, एंड आई एग्जैक्टली नो द बेनिफिट्स एंड द प्रोसीजर, एंड मुझे फोकलिफ्ट मशीन चलाना भी आता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत क्रूशियल होने वाला, बेनिफिट एकदम अच्छे से लेना, वीडियो को पूरा देखना एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, एंड लाइक करके जाना वीडियो को बिकॉज दैट्स माय ओनली मोटिवेशन गाइज. एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ऑल राइट गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली फोकलिफ्ट होता क्या है, इज दैट अ मशीन और समथिंग एल्स. फोकलिफ्ट इज बेसिकली अ मशीन गाइस, जो हमको ऐसे रोड पे चलते हुए ड्राइव करते हुए आप लोगों को नहीं देखेगा. इट्स एग्जैक्टली यूज्ड इन वेयर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज और लेट्स से कंपनीज में यूज होते हैं, जहाँ पे दैट मशीन इज यूज टू लिफ्ट अप हैवी स्टफ्स. फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज 2-3 बॉक्सेज, उसमें मेटल के चीजें रखे हुए हैं एंड आप अकेला बंदा या फिर 2-3 बंदे मिलकर भी उसको हिला नहीं सकते. लेट्स से उसमें वेट है 1,000 pounds, 2,000 pounds, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए फोकलिफ्ट. दैट्स अ मशीन, सामने ऐसे फोर्क की तरह होता है, वो फोर्क आपको जो बॉक्सेस के नीचे ऐसे लगाना पड़ता है एंड देन द फोर्क लिफ्ट्स अप. ठीक है, तो बॉक्सेस को उठा लेता है एंड इट कैन कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड्स गाइस. सो इट्स वेरी बेनिफिशियल, हर एक वेयर हाउसेज में फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं गाइस. अब हमें फोकलिफ्ट क्या होता है, दैट्स अ मशीन, वो हमको समझ में आ गया है. नाउ द मेन पार्ट कम्स, यहाँ से वीडियो मेनली स्टार्ट होता है, दैट हाउ टू एक्जैक्टली गेट द लाइसेंस ऑफ अ फोकलिफ्ट मशीन. ठीक है, अब यहाँ पे दो मेन टाइप के मशीन होते हैं, बेसिकली चार होते हैं बट दो मेन टाइप के मशीन होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा. बिकॉज दोज टू मशीन आर यूज इन एवरी वेयर हाउसेज एंड एवरी फैक्ट्रीज. दैट इज काउंटर बैलेंस, जिसका फोटो आपको स्क्रीन पर देख जाएगा, इट्स लाइक अ कार. ठीक है, चार चक्के होते हैं उसमें, इट्स लाइक अ कार. बेसिकली बहुत ईजी है ड्राइव करना, वो आपको सिखा देंगे लाइसेंस लेते समय. मैं अभी प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ डिटेल में, उसको सुनो पहले. तो दिस इज अ काउंटर बैलेंस मशीन एंड यहाँ पे और एक मशीन होता है रीच. ठीक है, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ऑपरेट बट इसका यूसेज सबसे ज्यादा होता है. बिकॉज रीच का नाम से इसका मतलब आ जाता है कि ये छोटे छोटे कोनों में जहाँ पे वो काउंटर बैलेंस घुस नहीं सकता या फिर बंदे ज्यादा घुस नहीं सकते, वहां पर रीच चला जाता है. रीच गेट उसका मशीन का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, मशीन क्या होता है, मशीन का जो फ्रंट पार्ट होता है गाइस, दैट एक्सटेंड्स. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता है एंड दे कैन ब्रिंग अप द स्टफ्स क्लोज, बहुत दूर से उठा के अपने पास लेके आ सकते हैं. दैट्स द बेसिक फंक्शन ऑफ रीच मशीन गाइस. तो काउंटर बैलेंस एंड रीच, इन दोनों का लाइसेंस हमको लेना है. तो इसका जो प्रोसीजर होता है गाइस, तीन स्टेप में मैं आपको बताऊंगा. द फर्स्ट स्टेप इज आपको गूगल पर सर्च करना होगा फोकलिफ्ट लाइसेंसेस. ठीक है, मैं आपको गूगल पे दिखा दूंगा जो ओंटारियो में अवेलेबल या फिर मेरे घर के पास अवेलेबल है, उसका लिस्ट मैं दिखा दूंगा. मैं ब्रैम्पटन डाउनटाउन में रहता हूँ गाइज. तो फर्स्ट यू हैव टू सर्च फोकलिफ्ट लाइसेंस, आपको गूगल में दिख जाएगा. चूज अ सेंटर जिसका रेटिंग अच्छा हो, मैं अपने सेंटर का भी स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा वीडियो में, वहाँ पे जा सकते हो. एंड जस्ट यू हैव टू से दैट आई एम हियर फॉर अ फोकलिफ्ट लाइसेंस. वो आपको एक फॉर्म फिलअप करने बोलेंगे जहाँ पे आपका एड्रेस, बेसिक नेम, बेसिक डिटेल्स आपको देना होगा. नो पासपोर्ट, अ पासपोर्ट लेकर जाना, सॉरी, नो स्टडी परमिट नीडेड, पासपोर्ट एंड फिलअप दैट फॉर्म एंड पे $300. यू कैन पे इन क्रेडिट कार्ड, यू कैन पे इन डेबिट कार्ड, यू कैन पे इन कैश, एनी वे पॉसिबल. $300 इज द अमाउंट अगर आपको सारे मशीन्स का लेना है. आई टुक द लाइसेंस फॉर ऑल द फोर मशीन्स, जिसमें से दो का कुछ यूसेज नहीं है बट मैंने सेफ साइड होने के लिए लेके रखा है. बट इफ यू वॉन्ट टू टेक द लाइसेंस फॉर रीच एंड काउंटर बैलेंस, दोनों का $150-$150 आपको 300 ही लगेगा एंड चार का भी लोगे तब भी 300 लगेगा गाइज. सो आई टुक दैट बोनस, आई टुक दैट ऑप्शन एंड आई टुक द लाइसेंस फॉर ऑल द फोर मशीन्स, उसमें से काउंटर बैलेंस एंड रीच का भी इंक्लूडेड हो जाता है. ठीक है, सो वॉट हैपन्स वेन यू एक्जैक्टली विजिट द फोकलिफ्ट लाइसेंस सेंटर. पहले तो मैंने बताया कि आपको फॉर्म फिलअप करना है एंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, ये जो फोकलिफ्ट का ट्रेनिंग होता है गाइज, ये एक दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ते का ट्रेनिंग नहीं होता है. यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा क्लासेस और समथिंग, आपको बस सेंटर पर जाना है, कोई होगा जो आपको सिखाएगा. देर विल बी ऑल द मशीन अवेलेबल, वहाँ पर आपको एक एक मशीन करके ट्रेनिंग दिया जाएगा. द एंटायर ट्रेनिंग लास्ट फॉर 3-4 hours एंड कुछ सेंटर्स में 6 घंटे तक भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है. तो इट्स बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 3 hours, एक्सटेंड टिल 6 hours. मुझे 4 घंटे का ट्रेनिंग मिला था एंड आई नाउ कम्प्लीटली नो द एग्जैक्ट यूसेज ऑफ ईच ऑफ दोज मशीन्स. बहुत ईजी है गाइस, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं. इंडिया में पता है मुझे स्टूडेंट्स ऐसे काम भी नहीं करते, कहीं पे जाके आसपास के स्टोर में भी हम लोग काम नहीं करते, राइट? हम लोग घर पे रहते हैं, एंजॉय करते हैं, बट ऑपरेटिंग मशीन तो बहुत दूर की बात है. तो यहाँ आके ऑपरेटिंग अ मशीन, लर्निंग समथिंग न्यू इज आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, बट यू डू हैव टू लर्न इट बिकॉज लेबर वर्क
नॉर्मल बनकर कितना दिन रहोगे यार, टेक द लाइसेंसेस, लेवल अप योरसेल्फ। मैं नहीं बोला कि आके ही ले लो, बट यू शुड फोकस ऑन दैट ट्रैक कि मैं लाइसेंस लूंगा, बेसिक जो नॉर्मल काम होता है उससे थोड़ा अपर लेवल का काम करूंगा जब तक मैं स्टडी परमिट पे हूँ, एंड वंस आई गेट इनटू वर्क परमिट आई इंप्रूव माई सेल्फ मोर, आई पुश माई सेल्फ मोर। सो बेसिक लाइसेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोऑपरेटिव लाइसेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसेंस इन योर स्टूडेंट लाइफ गाइस। सो वंस योर ट्रेनिंग इज डन यू हैव टू वेट एंड वो लोग आपको आपका लाइसेंस उसी दिन उसी समय प्रिंट करके दे देंगे। एंड मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट, मैं ये गलती कर चुका हूँ इसलिए आई एम टेलिंग यू, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ बाद में। यहाँ पे गाइस कैनेडा में वंस यू गेट योर फोकलिफ्ट लाइसेंस एंड अब जॉब अप्लाई करोगे, राइट, जॉब अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है मैं थोड़ा देर में बता रहा हूँ, अभी ये पॉइंट पर फोकस करो कि जब आप जॉब अप्लाई करोगे दिल डू टू थिंग्स टू यू। फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस मांगे कि आप कितने देर से कितने टाइम से फोकलिफ्ट चला रहे हो, बिकॉज फोकलिफ्ट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी गाइस। अगर आप कोई भी स्किड एज इन पैलेट्स होता है उसमें बॉक्सेस रखो तो अगर आप गिरा देते हो या फिर ऑपरेट नहीं कर पाते हो देन इट कैन लीड टू कैजुअलिटी, अगर कोई बंदा नीचे हो तो वो स्पॉटेड हो जाएगा गाइस, एंड ऑल्सो इट विल लीड टू कंपनी, इट विल चार्ज कंपनी मैसिव लॉसेज, राइट। सो फोकलिफ्ट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी गाइस, इसलिए वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, दैट्स अ ह्यूज ड्रॉबैक हियर इन कैनेडा। अगर आप नए लाइसेंस बनाते हो देन ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, राइट, एंड आपको कोई हायर भी नहीं करेगा, यू आर अ फ्रेशर तो आपका एक्सपीरियंस कभी बनेगा ही नहीं, दैट्स अ प्रॉब्लम आई फेस्ड, मेजॉरिटी ऑफ पीपल फेस। सो उसका ट्रिक मैं बताता हूँ। ऑल्सो गाइज वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू एज इन प्रैक्टिकल इंटरव्यू, आपको फोकलिफ्ट मशीन दिया जाएगा फैक्ट्री में, लेन्स होंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको डेली अगर काम लेते हो वहाँ पे देन आपको चलाना होगा मशीन, तो आपको वहाँ पे चला के दिखाना होगा। इफ यू पास इट, पास द इंटरव्यू, देन यू आर हायर्ड एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर, एंड आपका वेज भी बहुत अच्छा होगा, वो मैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, लास्ट पॉइंट वही है कि कितना वेज मिलेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी द ट्रिक टू गेन एक्सपीरियंस इज, आप जहाँ से अपना लाइसेंस ले रहे हो वहाँ पे आपको बोलो कि मुझे लाइसेंस लेना है, मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस डलवाना है अपने लाइसेंस पे, एंड देल एड एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ पे वो सिस्टम चलता है गाइज, वो लोग 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके यहाँ पे डाल देते हैं, सो दैट इनिशियल फेज में आप हायर हो जाओ। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाते हो एंड यू टेल दैट मैंने 6 महीने का एक्सपीरियंस है, देन वो लोग आपको इजिली हायर कर लेंगे, एंड देन आपका एक्चुअल ऑफिशियल एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा लाइसेंस पे, बट आपका हायरिंग हो जाएगा, यू विल बी सेफ साइडेड। अगर आप सेंटर में जाके बोलते हो, जिस दिन आप लाइसेंस लोगे उसी दिन उनको बोल देना कि मुझे चाहिए एक्सपीरियंस, वो लोग ऐड कर देंगे, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि हायरिंग नहीं होता फ्रेशर्स का एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर। नाउ ये हुआ हमारा पूरा प्रोसीजर, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्जैक्टली गेट अ जॉब, बिकॉज लाइसेंस लेना, मैंने अपने सिक्योरिटी के वीडियो में बताया था कि लाइसेंस लेने से पहले आपका जॉब हायरिंग कहाँ पे होगा, आप कहाँ पे जाना चाहते हो वो डिसाइड कर लो, बिकॉज टेकिंग अ लाइसेंस वो कोई भी ले सकता है, बट जॉब मिलना इज एक्चुअल गेम गाइस। सो फोकस ऑन गेटिंग अ जॉब एंड उसका क्या ट्रिक्स एंड ट्रिप्स होता है मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, एंड ऑल्सो आई डिस्कस द एग्जैक्ट वेज जो आपको मिलेगा एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर बींग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हियर इन कैनेडा। लेट्स गो। सो गाइस जॉब मिलने का 3 बेसिक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गाइस आप जहाँ से लाइसेंस ले रहे हो उनको बताओ कि आई एम लुकिंग फॉर अ फोकलिफ्ट जॉब फ्रॉम नाउ, उसी दिन से आप उनको इन्फॉर्म करके रखो कि मुझे एक फोकलिफ्ट ऑपरेटर का जॉब चाहिए, एंड उनको भी पता है कि फ्रेशर्स को हायर नहीं करते, पता है यू हैव सेड देम टू गिव देम गिव योर लाइसेंस अ 6 ईयर एक्सपीरियंस, बट वो फेक एक्सपीरियंस है, राइट, तो उनको ये बता के रखो कि मुझे एक जॉब चाहिए, तो व्हेनेवर दे नो अबाउट समथिंग और देयर इज अ वैकेंसी इन सम नोन वेयरहाउसेस जो उनके कॉन्टैक्ट में है, इमीडिएटली टू इन्फॉर्म यू, आप अपना ईमेल आईडी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी उनको कॉन्टैक्ट करने का कुछ मीडियम आप उनको दे के आओ कि वो लोग आपको कॉन्टैक्ट करें व्हेनेवर देयर इज अ वैकेंसी इन देयर नोन सर्कल, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप कि आप लाइसेंस जहाँ से बनवा रहे हो उन्हीं से बोलो कि आपको एक जॉब दिलवाने के लिए इन द बेसिक स्टेज, और कुछ भी एनी वेज फोकलिफ्ट ऑपरेटर जॉब कुछ भी मिले आप उसको ज्वाइन कर लो इन द इनिशियल फेज, बिकॉज ऑफिशियल एक्सपीरियंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। द सेकंड स्टेप टू गेन अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर जॉब फॉर योर सेल्फ इज आप अपने रेफरेंसेस बनाओ, कॉन्टैक्ट बनाओ। यहाँ पे गाइज इंटरनेशनल स्टूडेंट मेनली लड़कियों को पता नहीं लड़कियाँ करती हैं लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है ऐसे, बट गाइज मोस्टली डू अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर जॉब हियर गाइज, जिनके पास लाइसेंस है वो तो डेफिनेटली करते हैं गाइज, ये बहुत एक बेनिफिशियल जॉब है, बहुत ईजी जॉब है, जनरल लेबर से बहुत अच्छा है गाइज। तो वंस यू कम हियर इन कैनेडा, आप 1-2 महीना बिता चुके हो, देन यू आर टेकिंग योर लाइसेंस, आपका एक बेसिक सर्कल तो होगा, राइट, एंड उस सर्कल में आई एम डैम श्योर कोई ना कोई फोकलिफ्ट ऑपरेटर होगा गाइज, अगर नहीं होता है देन टॉक टू देम कि यार तेरा कोई दोस्त है जो फोकलिफ्ट चला था, मैं भी सोच रहा हूँ कि लाइसेंस लूंगा, ऐसे बात करो, आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओ, एंड रियल चीज कि आपके सर्कल में आपके सर्कल के सर्कल में कोई ना कोई फोकलिफ्ट ऑपरेटर बंदा होगा, जस्ट बी इन टच विद हिम, कॉन्टैक्ट हिम, इन पर्सन बात करो, एंड टेल हिम टू रेफर यू इन हिज ओन वेयरहाउस, या फिर कहीं पे भी वैकेंसी है कुछ भी एजेंसी उसको पता है तो बोलो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजना जहाँ पे फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स चाहिए, वैकेंसीज हैं, ठीक है। अभी समर का टाइम है, जैसे अभी मैं वीडियो बनाऊँ समर का टाइम है, इस टाइम पे गाइस रश ज्यादा होता है फैक्ट्रीज में, दिस इज द पीक टाइम हियर इन कैनेडा, इस टाइम पे गाइस फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स चाहिए होता है बिकॉज बहुत सारा काम रहता है वेयरहाउस में, तो दिस इज अ गुड टाइम, मेक रेफरेंसेज, मेक कॉन्टैक्ट,
लेट्स मीट persons इन पर्सन एंड एक्चुअली टॉक की मुझे एक जॉब चाहिए एंड कुछ भी references हो, कुछ भी वैकेंसी हो, कुछ भी कहीं पे भी अवेलेबल हो मुझे इन्फॉर्म करने के लिए. दैट्स अवर सेकंड ट्रिक गाइज. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टिप जहाँ से आपको मोस्टली श्योर शॉट एक फोकलिफ्ट ऑपरेटर का जॉब मिल जाएगा. लेट्स डिस्कस इट नाउ. ऑलराइट गाइज, कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप टू गेट अ फोकलिफ्ट जॉब फॉर योर सेल्फ इज गाइज कॉन्टैक्टिंग एजेंसीज. यहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज होते हैं गाइज, स्पेसिफिकली जो टोरंटो एयरपोर्ट से निकल के एक एयरपोर्ट रोड आता है यहाँ पे, वहाँ पे लाइंड अप बहुत सारे एजेंसीज होते हैं गाइज जो जॉब प्रोवाइड करने के लिए बैठे हुए हैं. दे नीड यू, यू नीड देम. ठीक है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है एजेंसीज के साथ स्टूडेंट्स का. तो डू अप्रोच देम इन पर्सन, जाओ फॉर्म्स फिलअप करो एंड टेल देम कि आई एम अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर. बता देना कि मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है, आई एम एन एक्सपीरियंस फोकलिफ्ट ऑपरेटर, मुझे कहीं पर भी कोई भी वेयरहाउस में कहीं पर भी जॉब मिले, कोई वैकेंसी रहे तो डू इन्फॉर्म मी. कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आप सबको फॉर्म पर फिलअप करना होगा यूजली, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. एंड दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अ फोकलिफ्ट लाइसेंस जॉब फॉर यू गाइज, सो डू विजिट द एजेंसीज. ऐसा कोई स्पेसिफिक एजेंसी नेम नहीं है, आप एयरपोर्ट रोड पर जाओ या फिर अपने सर्कल में पूछो कि कोई एजेंसी है तेरे पास जो जॉब दिलाती है ऐसे फोकलिफ्ट ऑपरेटर का, तो कोई ना कोई आपको रेफर कर देगा गाइज, कोई ना कोई आपको एजेंसी का नाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज देगा. डू कॉन्टैक्ट देम, गो इन पर्सन, कॉल पर ही बात करो, इन पर्सन पर जाओ, बिकॉज दैट शोज द इंपॉर्टेंस कि आपको सच में जॉब चाहिए. तो इन पर्सन पर जाकर हमेशा बात करना गाइज एंड कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ हो ही जाएगा. फाइनली कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप सभी वीडियो के एंड तक रुके हो, दैट इज द सैलरी, दैट इज द वेज कि कितना आप कमा सकते हो बाई बींग अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हियर इन कनाडा. सो गाइज यहाँ पे दो फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं वीडियो के. नंबर वन इज जो लोग कैश पे काम, यहाँ पे ब्रैम्पटन में मोस्टली लोग कैश पे काम करते हैं, दैट इज इलीगल आई हैव सेड. अगर डिफरेंस जानना है कैश ऑन सेंड जॉब के बारे में, देन उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूं मैं, 12,000 व्यूज है उसमें जाके देख लो. तो दिस इज कैश जॉब एंड दिस इज सेंड जॉब गाइज. अब कैश जॉब का जो पे रेट होता है गाइज वो होता है $18 से स्टार्ट हो जाता है आपका फोकलिफ्ट ऑपरेटर का जॉब का मिनिमम वेज. 18, 19, 20, 21 एंड बाई लक 22 भी आपको मिल सकता है इफ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 years प्लस. ठीक है, तो उतना तक आपको मिल सकता है बाई डूइंग अ कैश जॉब, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड बाई मी. मेरे चैनल में कैश जॉब पे कुछ रिकमेंडेशन कभी नहीं आएगा, इट्स इलीगल गाइज, नेवर रिस्क योरसेल्फ डूइंग अ कैश जॉब. सिन का बात करते गए, सिन पे यूजुअली पे रेट इट्स अंडर गवर्नमेंट राइट, तो गवर्नमेंट आपको बहुत ज्यादा पे करती है. आपका स्टार्ट ही होगा $23-24 से गाइज एंड इट गोज टिल $27 पर आवर बीइंग अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर इन एनी कंपनी जहां पे आप सिन पे हायर हुए हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिन एंड कैश का डिफरेंस जानो. कैश में आपको $14-15 तो मिनिमम वेज है, इससे ऊपर आपको मिलेगा 17, 18, 19, 20, 22 तक जाता है, बट इफ़ यू आर डूइंग अ सिन जॉब एंड यहाँ पे यू विल गेट $27 पर आवर इफ यू आर बीइंग अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर. यहाँ पे एक और एक छोटा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूँ इफ यू आर बीइंग अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर एंड वर्किंग ऑन सिन गाइज. कैश पे वो आपको नहीं मिलेगा. कैश पे गाइज फैक्ट्रीज में ओवरटाइम का जरूरत होता है, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स नीडेड. जो आपका मिनिमम शिफ्ट टाइमिंग्स होगा उससे ज्यादा भी आपको रखा जाएगा वहाँ पे, बिकॉज ओवरटाइम करना है आपको. ये मोस्टली फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स को मिलता है ओवरटाइम गाइज, एंड ओवरटाइम में अगर आप कैश पे काम करते देन आपको वही सेम अमाउंट मिलेगा, दैट इज $18-19 जो आपका हायरिंग के टाइम पे डिसाइड किया गया था वही आपको पर आवर मिलेगा. बट इफ यू आर वर्किंग ऑन सिन, अगर आपको सिन में $22-23 मिलता है यूजुअली, देन आप जब ओवरटाइम करोगे आपको उसका एक गुना ज्यादा या फिर डेढ़ गुना ज्यादा मिलेगा, दैट इज $27-30 तक का भी आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड हाउ मच डिमांड इज नीडेड. अगर एक फैक्ट्री में 3 फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जरूरत है एंड वहां पे 2 बंदे नहीं है, बस आप हो एंड आपको बहुत अच्छे से चलाना आता है, यू कैन वर्क क्विकली, देन आपको उतना $30-35 तक का भी पे मिल सकता है बींग अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर. बहुत सारे छोटे छोटे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बट वर्किंग ऑन सिन विल गिव यू ह्यूज बेनिफिट्स ओवर वर्किंग ऑन कैश एंड सिन पे गाइज. एक में छोटा सा डिसएडवांटेज आ जाता है कि आपको टैक्स पे करना होगा, बट इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट यू कैन फाइल योर टैक्स एंड आपके साल के एंड में आपका पूरा टैक्स रिटर्न आपके पास वापस आ जाएगा. सो इट्स नॉट अ लॉस, गिव द मनी टू गवर्नमेंट, they use it to improve the country and at the end of the year you'll get back the money if you're paying taxes here in Canada. That was it for this video guys, I hope you have enjoyed it. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो पसंद आए, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा होपफुली. ये जॉब गाइज बहुत ईजी है, जनरल लेबर से अच्छा है. लेवल अप योरसेल्फ ऑलवेज बाय टेकिंग लाइसेंसेस. जो मास जो नॉर्मल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं उससे ऊपर उठना है हम लोगों गाइज. इंडिया छोड़ के आया हो तो यहाँ पे बड़ा कुछ उखाड़ो गाइज. बेसिक लेवल पे करके कोई फायदा नहीं है, दुनिया किसी को पूछती नहीं. अगर nobody gives a shit about you, this is actually true guys. Nobody gives a shit about you if you're not rich or if you're dead. ठीक है, बस ये दो कंडीशन में people will give a shit about you, else कोई घंटा नहीं पूछता गाइज यहाँ पे. तो यू हैव टू बी इन द टॉप 1% गाइज. तो फोकलिफ्ट ऑपरेटर लो, सिक्योरिटी लाइसेंस लो, थोड़ा लेवल अप करो, वर्क परमिट आने के बाद और लेवल अप करो गाइज. तो करियर ग्रोथ पाने का तो एंडलेस अपॉर्चुनिटी है कैनेडा में गाइज. तो मेक श्योर यू ऑन द राइट ट्रैक इन द राइट डायरेक्शन. ये सब चीजें करो, मेरे वीडियोज देखते रहो. अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज़ दैट्स माय ओनली मोटिवेशन गाइज. एंड टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, आई विल सी यू इन द